छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान कर रहे हो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान हो रहा है। क्या अध्यक्ष जी, धर्म जी बैठिए प्लीज। आपने सही नहीं कहा, गोबर खरीदी भी ऑनलाइन होती थी। अब बैठिए बैठिए, ऑनलाइन को ऑफलाइन करने की आदत है अपनी तो। बैठिए बैठिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने आग्रह किया था, निवेदन किया था, मैंने उसको स्वीकार कर लिया है, उनको अनुमति दी है। धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने कुशासन के खिलाफ मुहर लगाकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। ऐतिहासिक जनादेश द्वारा प्रकट किए गए स्नेह और विश्वास के लिए हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्राण प्रतिज्ञा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारे चारों ओर चुनौतियों का घना अंधेरा है। महिलाएं कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति का शिकार रहीं, युवा मन अविश्वास और आशंकाओं से ग्रसित रहा। पिछले सालों में प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतरा रहा और राजकीय खजाना हमें खाली मिला है, पर हम अंधेरों के बीच उजाले की तलाश करने की ताकत रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, चुनौतियों का घना अंधेरा है, कोई भी सार्थक व्यक्ति, कोई भी सार्थक समाज, कोई भी सार्थक सरकार कभी अंधकार के साम्राज्य को विजयश्री का तिलक नहीं लगा सकती। चहु और चुनौतियों से घिरे होने के बावजूद हम एक लक्ष्य और सपना देखने की ताकत रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, चुनौतियों का अंधेरा हमें बच्चन जी की पंक्तियों की स्मरण कराता है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि एक ओर हम लोग 500 सालों के संघर्ष के बाद श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में होते हुए देख पा रहे हैं, और हमारी पीढ़ी का यह भी सौभाग्य है कि अमृत काल में भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए जा रहे क्रांतिकारी कार्यों को भी हमारी पीढ़ी देख रही है और उसमें सहभागिता भी निभा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अथक ऊर्जा आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है, तो सहज सरल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का कुशल नेतृत्व हमारी ताकत बनकर हमारे साथ है। अध्यक्ष महोदय, आज देश अमृत काल में नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की ओर निहार रही है। विकसित भारत का सुस्पष्ट लक्ष्य सबके सामने है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के विकास को ग्रहण लग गया था। भ्रष्ट और स्वार्थपरक ताकतों ने छत्तीसगढ़ को दबोच कर रखा था। चिंता होती थी कि भारत की इस विकास यात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ का क्या होगा, लेकिन लोकतंत्र की ताकत ने इन नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, पराजित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता की उंगलियों पर लगी स्याही ने छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के नए रास्ते खोल दिए हैं। विकास यात्रा का कृष्ण पक्ष समाप्त हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन का सूर्योदय हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, किसी सरकार के बजट को महज उसके आय व्यय के लेखा जोखा के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि वह किसी सरकार के भविष्य का विजन होता है, एक दस्तावेज होता है जो दशा और दिशा को निर्धारित करता है। उस विजन डॉक्यूमेंट के रूप में उसे पढ़ा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की इस मोड़ पर सवाल उठता है कि हम छत्तीसगढ़ को आगे कहां लेकर जाना चाहते हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी ताकतें क्या हैं। शॉर्ट मैनेजमेंट में एक एनालिसिस होता है अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जब हम अपने छत्तीसगढ़ का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से पक्ष उभर कर सामने आएंगे, इसका एनालिसिस जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करके विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित होगा, तब हमारा छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए कैसे आगे बढ़ेगा, यह हमारे सामने एक चुनौती है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक स्पष्ट सपना, एक स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है, उस लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति जरूरी है, एक रोडमैप जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टिपत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और इस दृष्टिपत्र का नाम होगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047।
1 नवंबर सन 2000 को 2000 को 1 नवंबर के दिन भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाया था, और इसी 1 नवंबर को इसी साल सन 2024 में ये विजन डॉक्यूमेंट जो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन है 2047 होगा, उसे हम इस राज्य की जनता को समर्पित करने का काम करेंगे। अध्यक्ष, हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि कोई भी सार्थक व्यक्ति के लिए कोई भी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती है, हर मंजिल एक पड़ाव होता है अगले मंजिल तक आगे बढ़ने के लिए। इसी दर्शन के साथ मोदी जी कहते हैं कि हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। ये मोदी जी का विजन है। 2047 के दीर्घकालिक विजन तक पहुंचने से पहले हमें मध्यम अवधि के अर्थात मिड टर्म टारगेट भी बनाने होंगे। हम छत्तीसगढ़ के लिए तय कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा मिड टर्म टारगेट क्या होगा, वह भी हम निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधि टारगेट के रूप में $5 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अगले 5 सालों के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का मध्यम अवधि टारगेट रखा है। अध्यक्ष महोदय, हम भी इसी तरह का एक मध्यावधि लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ की GSDP लगभग 5 लाख करोड़ है। इसे आने वाले 5 सालों में 2028 तक 10 लाख करोड़ करना हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 सालों की आप तुलना करेंगे तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इस बड़े लक्ष्य को हम स्वीकार कर रहे हैं और इस चुनौती के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। यह मध्यावधि लक्ष्य देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मोदी जी के महायज्ञ में हमारा योगदान होगा। मोदी जी के सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर चलते हुए हम केंद्र का सहयोग भी प्राप्त करेंगे और देश के विकास यात्रा में अपनी महती भूमिका भी निभाएंगे। छत्तीसगढ़ अब केंद्र से टकराव वाले पिछले 5 वर्षों के मॉडल के स्थान पर डबल इंजन की सरकार में संघ राज्य समन्वय से विकास का नया अध्याय लिखेगा। इस 5 सालों के अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो GDP को केवल 5 सालों में दुगुना करने का लक्ष्य जो हम निर्धारित कर रहे हैं, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत 10 लाख करोड़ की GDP तक जो पहुंचना चाहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में फंडामेंटल स्ट्रेटेजिकल पिलर्स के रूप में 10 स्तंभों की पहचान किए हैं और उसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हमारा पहला पिलर होगा फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होगा ज्ञान। दूसरा हमारा पिलर होगा तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तीसरा हमारा पिलर होगा तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, मैक्सिमम कैपेक्स। चौथा हमारा पिलर होगा प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल। हमारा पांचवा पिलर होगा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। हमारा छठवां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। हमारा सातवां पिलर होगा फोकस ऑन बस्तर सरगुजा। हमारा आठवां पिलर होगा DDP डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स। हमारा नौवां पिलर होगा छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास, प्रमोटिंग छत्तीसगढ़ी कल्चर। हमारा दसवां पिलर होगा क्रियान्वयन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। इन 10 पिलर्स को मैं थोड़ा व्याख्यायित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो पहला पिलर है फोकस अप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु जो होगा वो ज्ञान होगा। ज्ञान नॉलेज तो होगा ही, लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता और एन अर्थात नारी। ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित हमारा आर्थिक विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने इन चारों समूहों के साथ अन्याय किया है। न केवल गरीबों के छत के अधिकार को छीना गया, यूरिया DAP में कालाबाजारी हुई, 2 रुपए में गोबर खरीदकर गुणवत्ताविहीन कंपोस्ट के नाम पर 10 रुपए में जबरन उसे बेचा गया, किसानों के संबंध में अनेक प्रकार की लूटें हुई। अध्यक्ष महोदय, माताओं बहनों को इन्होंने 500 रुपए प्रतिमाह
अर्थात साल का 6000 रुपए देने का वादा किया था, मगर किसी को 6 रुपए तक नहीं मिला अध्यक्ष महोदय, ये भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के साथ भी बहुत अन्याय हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बड़े सपने लेकर हमारे युवा आए थे, उनके साथ अन्याय हुआ। इस संदर्भ में नेल्सन मंडेला जी के कोटेशन को मैं कोट करना चाहता हूँ, डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बम्स और द यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इट ओनली रिक्वायर्स लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अलाउइंग चीटिंग इन द एग्जामिनेशन बाई द स्टूडेंट्स। अध्यक्ष महोदय, किसी देश को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए बम बारूद और मिसाइल की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ही किसी देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है, ये विजनरी लीडर नेल्सन मंडेला ने कहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पीएससी की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है और अभी अभी ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज हुई। गरीब किसान, युवा और महिला, चार जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, उन्हें केंद्र बिंदु में रखते हुए इन्हें ऊर्जा और सही दिशा और अवसर प्रदान करके हम प्रदेश की आर्थिक उन्नति में इनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, ये हमारी सरकार की बद्धता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो पिलर है वह है तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। अध्यक्ष महोदय, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डेवलपमेंट, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन जैसे उच्च स्तरीय तकनीकों से संचालित हो रही है। हम शासन और प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल पर पूरा जोर देंगे, इससे नागरिक सुविधाओं में पारदर्शिता आएगी और समस्याओं का तीव्र समाधान भी होगा। अध्यक्ष महोदय, इससे हम मोदी जी के न खाऊंगा न खाने दूंगा की भावना को चरितार्थ कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार द्वारा कोयले पर तकनीक आधारित ऑनलाइन रॉयल्टी सिस्टम को हटाकर लाल फीताशाही आधारित मैनुअल सिस्टम लागू किया गया था। हमारी सरकार प्रशासनिक कामकाज की प्रक्रिया में ऐसे कपटपूर्ण मैनुअल हस्तक्षेपों पर पूर्ण विराम लगाएगी और तकनीक आधारित प्रयोगों के माध्यम से हम सरकार के खजाने के लीकेजों को रोकेंगे और जहाँ कर की दर में वृद्धि नहीं होगी वहाँ पर भी पारदर्शी तकनीकों पर आधारित करारोपण को अपनाकर सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे। अध्यक्ष महोदय, और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरी ईमानदारी के साथ प्रत्येक विभाग के साथ चर्चा करते हुए प्रयास किया कि कहां कहां तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकता है, कहां कहां तकनीकों के इस्तेमाल से सरकार के लीकेजों को रोका जा सकता है, जनता को अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसका हमने बहुत गहन अध्ययन किया और इस बजट में मुझे सदन को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि विभिन्न विभागों के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए ही कुल मिलाकर 266 करोड़ रुपए का आर्थिक प्रावधान किया गया है, जिससे सुशासन और पारदर्शिता को हम सुनिश्चित कर सकें। अध्यक्ष महोदय, तकनीकी पर आधारित ये रिफॉर्म और ये सुशासन, ये जो रिफॉर्म्स होंगे और ये गवर्नेंस होंगे, यही हमारे GDP केवल 5 साल में 2 गुना तक लक्ष्य जो हमारा है 5 लाख करोड़ के GSDP से 10 लाख करोड़ के GSDP तक पहुंचने का, उसका आधार होगा तकनीकी आधारित रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस। उसी के माध्यम से हम अपनी GDP को आने वाले 5 सालों में दुगना करके दिखाने की बड़ी चुनौती को स्वीकार की है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, तीसरा हमारा पिलर है अधिकतम कैपेक्स, पूंजीगत व्यय को अधिकाधिक सुनिश्चित करना। अध्यक्ष महोदय, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के उच्च विकास दर के लिए पूंजीगत व्यय को आधार स्तंभ माना जाता है। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अध्ययन कहता है कि 100 रुपए का पूंजीगत व्यय हम करते हैं तो GSDP में 247 रुपए की वृद्धि होती है। इसलिए किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके कैपेक्स में अधिकाधिक वृद्धि की जाए। इस बजट में तमाम चुनौतियों के बाद भी हम पूंजीगत व्यय के प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि करने का काम किए हैं। अध्यक्ष महोदय, जबकि पिछले 5 सालों में औसतन आप देखेंगे तो कैपेक्स में वृद्धि 5 सालों के औसत में 12% रही है, जबकि इस बजट में हम 20% की कैपेक्स वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर इस बजट का निर्माण किए हैं।
हमारा चौथा पिलर होगा अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। इन संसाधनों का सुनियोजित उपयोग करते हुए उससे होने वाले लाभों का छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना हमारा चौथा पिलर के रूप में इस रणनीति का हिस्सा होगा। हमारा पांचवा पिलर होगा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप इको टूरिज्म सर्किट विकसित करना, 5 शक्ति पीठों को विकसित करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, आईटी सेक्टर की स्थापना, हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में छत्तीसगढ़ को विकसित करना, वेडिंग डेस्टिनेशन, बिजनेस टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन जैसे नए उभरते संभावनाओं का लाभ प्रदेश को मिल सके, इसके लिए रोडमैप तैयार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सेवा क्षेत्र में देश की औसतन जो जीडीपी पर योगदान है वो करीब 55% के लगभग है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान अभी मात्र 31% है। इसे बढ़ाकर ही हम छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा छठवां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश को भी सुनिश्चित करना। हमारे छत्तीसगढ़ में आधुनिक आर्थिक दर्शन के अनुरूप रेड टेपिज्म के स्थान पर रेड कार्पेट की निवेश संस्कृति का हम विकास करेंगे। मॉडर्न इकोनॉमिक फिलॉसफी जैसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ईओडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, सिंगल विंडो प्रणाली, ऑनलाइन परमिशन, मिनिमम परमिशन जैसी व्यवस्थाओं की स्थापना करके हम आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेंगे। इसी तारतम्य में पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आदर्श प्रयोगों के लिए नीति आयोग, अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान आईएम्स जैसे विशेषज्ञ संस्थाओं का हम सहयोग लेना सुनिश्चित करेंगे। इन सब सहयोग लेते हुए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ावा देने का हम काम करेंगे। हमारी रणनीति का सातवां पिलर होगा अध्यक्ष महोदय, फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, ये हमारी आर्थिक रणनीति का सातवां स्तंभ होगा। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में बस्तर सरगुजा क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से अछूते रहे हैं। इन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, नेचुरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु उद्योगों की स्थापना की जाएगी। सरगुजा क्षेत्र में उद्यानिकी, मछली पालन जैसी संभावनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार समन्वित प्रयास करते हुए इन क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को पूरी तरह से मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। ये हमारी रणनीति का सातवां स्तंभ होगा अध्यक्ष महोदय। हमारी रणनीति का आठवां स्तंभ होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स की स्थापना करने पर हमारा जोर होगा। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, मध्य मैदानी भाग और दक्षिणी भाग की अपनी अपनी अलग अलग आर्थिक विशिष्टताएं हैं। इन विशिष्टताओं के अनुरूप तीव्र आर्थिक विकास की विकेंद्रीकृत नीति पर काम करते हुए विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स अर्थात डीडीपी की स्थापना को हम सुनिश्चित करेंगे। रायपुर, भिलाई जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग विशिष्टता है, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जाएगी। इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर, वेडिंग डेस्टिनेशन, एजुकेशन डेस्टिनेशन, हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की हमारी रणनीति होगी। नवा रायपुर अटल नगर में इस बजट में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे दुर्ग भिलाई में आईटी सेक्टर को प्रमोट करने का, उसको प्रोत्साहित करने का हमारा क्रांतिकारी प्रयास होगा। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, बीपीओ था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को आकर्षित करने के लिए इन क्षेत्रों में आईटी पार्क की स्थापना के लिए हम रणनीतिबद्ध और विजनरी ढंग से कार्य करेंगे। नवा रायपुर में आईटी आधारित रोजगार सृजन हेतु प्लग एंड प्ले मॉडल का विकास किया जाएगा। इससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के नए अवसर विकसित होंगे। रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ जैसे प्रमुख नगरों को
विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की एक रणनीतिबद्ध योजना के तहत हम काम करेंगे। कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों के अनुरूप औद्योगिकरण की नीति को आगे बढ़ाएंगे। मैदानी कृषि प्रधान जिलों में कृषि आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए भी विशेष फोकस किया जाएगा। हमारे रणनीति का नवा स्तंभ है अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास। हमर छत्तीसगढ़ राज्य हर 1956 ले सन 2000 तक शोषण के शिकार रहीस। ये 44 साल के बीच में लगभग 4 दशक तक कांग्रेस के छत्र राज रहीस। लेकिन कांग्रेस हर छत्तीसगढ़ ले नवा राज्य नहीं बनेस, छत्तीसगढ़ के नवा राज्य के रूप में कन्हू स्थापना करीस तो भाजपा के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। छत्तीसगढ़ ही बोली ला राजभाषा बनाए के बूता ला भी अगर कोई करीस तो भाजपा के सरकार है करीस। और अवैया बेरामा छत्तीसगढ़ के बानी भाखा तीज तिहार परंपरा संस्कृति साहित्य ल सब ला आगू बढ़ाए के बूता पर हमार संकल्प है अध्यक्ष महोदय। हमार जो छत्तीसगढ़ के प्रति जो भावना है हमार सरकार के बोला मुंगेली जिला के रहैया केदार परिहार जी कविता के रूप में बड़ा अच्छा तरीका से व्यक्त करे। मर के देव लोग झन जाते हो, मर के देव लोग झन जाते हो, कन्हू जन्म झन पाते हो, छत्तीसगढ़ ला छाव करे बर मैं छानी बन जाता हूं। कवि की कल्पना है और यही हमारी सरकार की कल्पना है, हमारी सोच अध्यक्ष महोदय कि मरने के बाद हमको कोई देवलोक नहीं चाहिए, मरने के बाद हमको कोई पुनर्जन्म नहीं चाहिए, हम छत्तीसगढ़ को छाव करने के लिए छानी बनना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, यही हमारे सरकार की भावना है। अध्यक्ष महोदय हमारी रणनीति का 10वां स्तंभ होगा क्रियान्वयन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अध्यक्ष महोदय हितोपदेश में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अध्यक्ष महोदय शेर कितना भी बलशाली हो उसके मुख पर मृगा आके खुद प्रवेश नहीं कर जाती है। अगर मृग का शिकार करना है तो उद्यम करना पड़ता है, बिना उद्यम के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ क्रियान्वयन हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछली सरकार ने गड़बो नवा छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव परोसा, नतीजा निकला अध्यक्ष महोदय बोरबो छत्तीसगढ़। इन्होंने कहा गड़बो नवा छत्तीसगढ़ और नतीजा निकला बोरबो छत्तीसगढ़। हम गड़बो से पहले करबो पर ध्यान केंद्रित करेंगे अध्यक्ष महोदय, यही हमारा संकल्प। अध्यक्ष महोदय मोदी जी ने बदलबो बदलबो का नारा दिया था, वह हमारे लिए चुनावी और राजनीतिक स्लोगन मात्र नहीं था अध्यक्ष महोदय, या उस समय के भ्रष्ट तंत्र को बदलने के लिए था। तो यह नारा आज भी हमारी सरकार आने के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए है। अध्यक्ष महोदय ये बदलबो के नारा का अभिप्राय हमारे लिए बहुत दूर तक है। अब यह स्लोगन छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के उद्यम से विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में बदलने के लिए अध्यक्ष महोदय, ये बदलबो के नारा का मोदी जी की इस नारे का बहुत गहरे माने हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इन 10 आधार स्तंभों को फोकस में रखते हुए हम आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए सतत कार्य करेंगे। इस प्रक्रिया में हमें अनेक विशेषज्ञ संस्थाओं के परामर्श की लगातार आवश्यकता होगी। देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम एडॉप्ट करने के लिए, उनको अपनाने के लिए पहल करेंगे और इस पूरे नॉलेज प्रोसेसिंग की ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रक्रिया को एक संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिए हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे। ए विष्णुदेव साय जी ने की सरकार ने निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी रगों में है, हमारे रग रग में है। इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को व्यक्त करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है।
ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्पण की लाइनें हैं। हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। उनके द्वारा स्थापित राम राज्य की अवधारणा से बड़ा सुशासन का कोई दूसरा मॉडल दुनिया में नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज को परिभाषित करते हुए कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। अध्यक्ष महोदय, शासन का एक ऐसा मॉडल जिसमें जनता के शारीरिक मानसिक भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया जा सके, ये राम राज की उदात्त कल्पना है। इसी प्रकार की परिकल्पना हमको दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत में मानव एकात्मवाद में भी दिखती है, जब वो कहते हैं शरीर मन बुद्धि आत्मा और चित्ती ये पांचों का एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं। राम राज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार कार्य करेंगे अध्यक्ष महोदय, और गुड गवर्नेंस रिफॉर्म्स सारे चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ हमारी सरकार समर्पित होकर कार्य करेगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्ष 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार स्थिर दर पर वर्ष 2023-24 के राज्य के GSDP में 6.56% की वृद्धि अनुमानित है, जब किसी अवधि में पूरे देश की औसत GDP में 7.32% की वृद्धि हुई है। प्रचलित दर पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो 2022-23 में 4,64,000 था, 23-24 में बढ़कर 5,05,000 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार प्रचलित दर पर GSDP में पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2023-24 का GSDP का जो ग्रोथ रेट है 6.56% का ग्रोथ रेट, ये राष्ट्रीय औसत 7.32% से भी कम है, जो अर्थव्यवस्था की धीमी गति को स्पष्ट रूप से बता रहा है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2030 तक 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत निवेश में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी, साथ ही कृषि के अलावा विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में पारदर्शिता के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सेवा क्षेत्र में हमारा योगदान, हमारी GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान अभी भी 31% है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 55% के बराबर है, इसे बढ़ाने की हमको आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी के इस बजट में प्रावधान किए गए अध्यक्ष महोदय, जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। कैबिनेट की पहली बैठक में ही हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और 2024-25 में 8369 करोड़ रुपए का प्रावधान हम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महतारी वंदन योजना की स्वीकृति भी हमारे कैबिनेट द्वारा, हमारी सरकार द्वारा दी जा चुकी है। 1 मार्च 2024 से योजना के तहत पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक का भुगतान किया जाएगा। मोदी की यह गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों को 3,716 करोड़ रुपए के लंबित बोनस की राशि की भुगतान की जा चुकी है और किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना अंतर्गत इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत इस बजट में हर घर निर्मल जल अभियान को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन में 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का बजट, PHE डिपार्टमेंट का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना बढ़ गया है। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में भी बड़ी वृद्धि हुई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा
5500 रुपए की दर से संग्रहण शुल्क भुगतान करने का भी निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, हमने संकल्प लिया था कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से उन्हें सहायता करेंगे। इसके लिए इस बजट में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएससी परीक्षा के घोटाले की जांच का कार्य सीबीआई को सौंपने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और भविष्य में पूर्ण पारदर्शिता के साथ पीएससी परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा और आवश्यक रिफॉर्म पीएससी में सुनिश्चित किए जाएंगे। यह संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना वर्ष 2024-25 इसी वित्तीय वर्ष से चालू करने का प्रावधान किया गया है। इसी बजट में प्रावधान किया गया अध्यक्ष महोदय। स्टेट कैपिटल रीजन के विकास की योजना तैयार करने के लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मोदी की गारंटी के तहत शक्तिपीठ परियोजना का डीपीआर एवं निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्री रामलला के प्रति प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए हमारी सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना मोदी की गारंटी के तहत चालू किया है और इसके लिए इस बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कृषि एवं सहायक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु समन्वित प्रयास किया जाएगा। कृषि विभाग के बजट में विगत वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि करते हुए कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए पहले 2003 से पहले 15% 16% की दर से ब्याज दर पर ऋण मिलता था। अध्यक्ष महोदय, जिसे पिछली भाजपा की सरकार ने 0% तक लाया था और इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ की साख सीमा निर्धारित की गई है और ब्याज अनुदान के रूप में 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस बजट में जो प्रावधान है मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कुनकुरी जिला जसपुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। खड़गवां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सिलफिली जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ग्राम सतरेंगा में पर्यटन विकास की दृष्टि से एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का भी प्रावधान किया गया है। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना की जाएगी। रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए 14 विकास खंडों में नवीन नर्सरी की स्थापना की जाएगी एवं पूर्व से संचालित 20 नर्सरियों में अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। पशु औषधालय कुंवारपुर एवं माड़ीसराई जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं पशु औषधालय कोल्हेनझरिया जिला जसपुर का पशु चिकित्सालय के रूप में उन्नयन का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम भोरिंग जिला महासमुंद, ग्राम चरौदा जिला शक्ति, ग्राम किरगी जिला राजनंदगांव, ग्राम खैरवना जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर तथा ग्राम मटासी जिला जसपुर में नवीन हेचरी की स्थापना करके मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। सिंचाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई रकबे के विस्तार के लिए नवीन सिंचाई परियोजनाओं हेतु
300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। संभावित सिंचाई परियोजनाओं की सूची में 10 करोड़ से अधिक लागत के 156 कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं। लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं हेतु 692 करोड़, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ तथा एनिकट एवं स्टाफ डैम निर्माण हेतु 262 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केलो सिंचाई परियोजना की नहरों का काम रायगढ़ जिले में वर्षों से अधूरा था। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर निर्माण के काम को पूरा किया जाएगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन हेतु डिजिटल सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी, इसके लिए राज्य जल सूचना केंद्र की स्थापना हेतु 1,56,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग है जल संसाधन विभाग में। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई बांधों की देखभाल एवं मरम्मत के लिए, छोटे छोटे मरम्मत कार्यों के लिए बांधों में पानी बहता रहता है। अध्यक्ष महोदय, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए राज्य बांध सुरक्षा संगठन का पृथक से सेटअप स्वीकृत किया गया है। सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए इस बजट में 72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे सिंचाई बांधों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना संभव हो सकेगा। सहकारिता के क्षेत्र में सहकार से समृद्धि की ओर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारी समितियों की लाभप्रदता एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 100 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खाद एवं बीज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा विशेष प्रकार के आवश्यक प्रशिक्षण संचालित किए जा सकें, इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाएगा और उसके लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इस वर्ष के बजट में 70% की वृद्धि करते हुए 17,529 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो आवास निर्माण करने हैं उसके लिए इसी बजट में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2,788 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नवीन सड़कों के निर्माण एवं वर्तमान सड़कों के संधारण हेतु 841 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्व सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार की गतिविधियों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 561 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों एवं कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 19 जिलों में PVTG बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क एवं पुल निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 12 वृहद पुलों एवं सड़कों के लिए 94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों का विकास, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हेतु कबीरधाम, गरियाबंद, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, धमतरी, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, जसपुर एवं नारायणपुर में संचालित आवासीय विद्यालयों के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भवन विहीन छात्रावास आश्रमों के 46 भवन निर्माण हेतु 78 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बलरामपुर, महाराजगंज, शंकरगढ़, डिंडो, राजपुर, लखनपुर, कांसाबेल, बगीचा, दोकड़ा, बतौली, मनोरा, कोदबा, दुलदुला, पंडरीपानी, तपकरा तथा नर्मदापुर तथा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास हेतु जसपुर नगर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पैकू, दोकड़ा, रौनी, गाला, कोदबा, बागबहरा, लोदाम, दुलदुला, लवाकेरा, पंडरीपानी, कांसाबेल, बटईकेला, कुनकुरी, देवगढ़, मंगारी, बतौली, घाटबर्रा, नवापारा, लखनपुर, कमलेश्वरपुर तथा लुंड्रा प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास करजी, धौरपुर, बोंदा, अंबिकापुर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास महासमुंद, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति
बालक छात्रावास, बाजार अतरिया, कोरबा, करतला एवं प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अंबिकापुर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जिला रायगढ़ में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 5 संभाग मुख्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास की स्थापना हेतु 2,40,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला मुख्यालय बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीड़ा परिसर की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु 3,10,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को यूपीएससी की परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए द्वारिका में एक यूथ हॉस्टल हमारी पिछली सरकार के द्वारा बनाया गया था। अध्यक्ष महोदय, अभी 65 बच्चों को सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति देकर तैयारी कराई जाती है। इन 65 बच्चों के सीटों को सीधा 3 गुना के लगभग वृद्धि करते हुए 200 बच्चों के लिए यूपीएससी की तैयारी कराने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर के 80 करोड़ हितग्राहियों के लिए निःशुल्क चावल वितरण की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण से बचाव हेतु फोर्टिफाइड राइस के वितरण के लिए 209 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शक्कर वितरण योजना अंतर्गत 150 करोड़, गुड़ वितरण हेतु 81 करोड़, अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत चना प्रदान करने हेतु 400 करोड़ एवं रियायती दर पर आयोडाइज नमक वितरण हेतु 139 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता कल्याण अंशदान फंड योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पेयजल की व्यवस्था के संबंध में प्रदेशवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पीएचई विभाग के अंतर्गत गत वर्ष के बजट को लगभग 2 गुना बढ़ाते हुए 5,047 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष किया गया था। इसमें हर घर नल योजना मोदी जी की जो है उसे पूरा करने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड एवं राज्य पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, शिकायत निवारण एवं नए कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू की जाएगी। जल की गुणवत्ता की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। वाड्रफ नगर जल आवर्धन योजना हेतु 1,82,00,000 का प्रावधान किया गया है। ग्रामों में पेयजल प्रदाय हेतु 71 करोड़ एवं नलकूपों के अनुरक्षण हेतु 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरी जल प्रदाय योजनाओं के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मातृशक्ति एवं नव निहालों का विकास, महतारी वंदन योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र एवं पूरक पोषण आहार हेतु 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्व से संचालित समान उद्देश्य वाली योजनाओं को समायोजित करते हुए तो बहुत सारी मल्टीप्लिसिटी